यहीं पे ड्रिफ्ट मारी है, एरी भाई निशान निशान सब छोड़ रखे हैं। भाई ये क्या लगा हुआ है? पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपके लैप्स होते हैं, ड्रैग्स होती है, अच्छा ड्रैग रेसेस हैं, सनरूफ फट जाती है, इस चक्कर में सेटअप भी हटाना। पौने 3 लाख का भाई सेटअप। हे गाइस कैसे हो आप सब? तो भाई आज आपके लिए आ चुके हैं वरना गाड़ी, जैसे कि आप देख सकते हैं भाई ने आर पार की मॉडिफाई करा रखी है। मतलब यार जो हमारे भाई है ना, हम इनसे बहुत ही ज्यादा लेट मिले, नहीं तो इन भाई ने अपनी गाड़ी में पता नहीं क्या क्या नहीं करवा रखा था, सारी चीज आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं सैटन ब्लैक भाई ने अपनी मतलब पूरी गाड़ी रैप करवा रखी है। अलॉय आप देख सकते हैं, एक एक चीज कवर करेंगे। स्टार्ट करते अपनी वीडियो को, उससे पहले सिनेमैटिक शॉट देखें। मेरे दिल लारे लारे नी तू लाने वाली है, दिल तेरा जदों टूटूगा तां पता लगूगा। दिल नाले लारे नी तू लाने वाली है, दिल तेरा जदों टूटूगा। मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार है, बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार, नीए पट खान पैंदे मंगे जान जा लैंदे, असी बैठे आ बठाया बंदे उठणे नहीं दिंदे। चुके हमारे भाई, सबसे पहले भाई से नाम जानते, भाई क्या नाम है? भाई पारस बग्गा। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल बढ़िया भाई, हम भी बढ़िया एकदम। देखो और भाई ये बताओ यार, गाड़ी अपने सबसे पहले मॉडल कौन सी है? भाई ये है वरना 2020। अच्छा एसएक्स पेट्रोल मैनुअल। एसएक्स पेट्रोल मैनुअल, पर भाई का जो शौक है ना वो अलग ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहीं पे ड्रिफ्ट मारी है, एरी भाई निशान निशान सब छोड़ रखे हैं। बाकी ना भाई के बारे में जब आपको और पता चलेगा ना, आपने हाईलाइट जरूर देखे होंगे उनके बारे में ना, भाई आप सही से सुनना। सबसे पहले भाई से जल्दी जल्दी बाहर से पूछो, फिर अंदर बैठ के आराम से बात करेंगे। भाई अपने ये सैटन ब्लैक है ना, ओरिजिनल कलर कौन सा है गाड़ी का? व्हाइट। व्हाइट कलर है। और भाई इसे कराए हुए कितना टाइम हुआ है? भाई इसको 2 महीने हो गए, दिवाली से करीब समझ लो 2-3 दिन पहले ही हुई थी। अच्छा दिवाली से 2-3 दिन पहले ही हुई थी, चलो बहुत बढ़िया बातचीत है। तो भाई देखो अपनी गाड़ी ना वरना पूरी होती है, मतलब ऐसे सडान गाड़ी है, सडान जिसे बोलते हैं, तो भाई ये अपनी पूरी कितने में हो जाती है और कितने दिन छोड़नी पड़ती है? भाई ये समझ लो अगर आपको तरीके से काम करवाना है तो 2 से 3 दिन तो मिनिमम है। अच्छा, और जो आप समझ रहे हो कि 1 दिन का काम होता है वो जल्दबाजी में हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, नहीं होगा, हो जाएगा, बट उसमें मजा नहीं आएगा, जो फिनिशिंग्स होती है, बॉर्डर्स होते हैं, उसमें टाइम लगता है। सही बात है। और भाई क्योंकि पूरी गाड़ी की फिटिंग खोली जाती है, क्योंकि डोर हैंडल है, शीशे वगैरह सब, तो भाई बिना किसी देरी के सबसे पहले वो बताओ कि कराई कहाँ से, क्योंकि सबको ही पता है अपनी एक ही भाई मोड्स नेशन, और मोड्स नेशन अपने नोएडा में है ना, जैसे कि सबको पता। तो देखो भाई मैं प्रतीक भाई है अपने, देखो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने भाई सही से करा रखी है। थोड़ी सी गंदी हो रही है भाई, माइंड मत करना उसे, क्योंकि ऐसे भाई जब गाड़ी चलती है तो गंदी तो हो ही जाती है ना, ज्यादा गंदी होती है, ब्लैक कलर को बहुत संभालना भाई, वो तो है, बहुत ज्यादा मेंटेन करना होता है। अच्छा उसके बाद भाई एक और प्राइसिंग बताओ इस पूरी की, किसी गाड़ी की, मतलब वो जो अपना रैप हुआ है पूरा? भाई रैप होता है अराउंड आपका 30-35,000, डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, क्वालिटी और फिर एरिया। हाँ क्वालिटी और एरिया और गाड़ी की कहाँ तक, मतलब आप कितनी इनसाइड उसको करवाना चाहते हो। अच्छा अच्छा, कितने बॉर्डर्स आप उसके डीप रखवाना चाहते हो। अच्छा उस हिसाब से होती है। तो भाई अपनी गाड़ी होगी मतलब 30-35,000 में हो जाती है। बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद भाई हम फ्रंट पे आते हैं, अलॉय पे आने से पहले भाई फ्रंट से आपने क्या क्या चेंज का लुक देखो भाई, जो प्यारी चीज लगी है ना वो शार्क लुक। तो भाई यहाँ पे पर्पल आइज लग रही है, बहुत अच्छा लग रही है भाई, ये सबसे नंबर एक की चीज। भाई देखो कितने तगड़े तगड़े रिव्यू मिल रहे हैं आपको भाई, ये ऐप बेस्ड है। अच्छा वैसे ना हमारे भाई का भी यूट्यूब चैनल, भाई किस नाम से चैनल है? मेरा नाम, मेरे जो चैनल का नाम है वो टीजी व्लॉग्स, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी वीडियोस देखना, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा भाई, डेली व्लॉग्स डालते हैं। और भाई जो थे भाई एक बार ऐप चेंज करके दिखाओ, ये रहा इसका ऐप, ये देखो जस्ट लाइक दिस, आप मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो भाई एक बार आओ सामने और ना ये बताओ कि फ्रंट से आपने क्या क्या चेंज कराया है इसमें? फ्रंट से आज सच कुछ नहीं करवाया हमने, ये तो इसकी ग्रिल है भाई, आरएस ग्रिल लगवा लेते हैं लोग इसमें, आरएस ग्रिल हमने इसमें लगाई थी, बट अच्छा नंबर प्लेट की वजह से इशू है उसमें। अच्छा, अच्छा अगर आप वो आरएस ग्रिल लगवाओगे तो वो नंबर प्लेट आपकी पोजीशन पहुंच जाएगी, हाँ, नीचे पहुंच जाएगी, वो पहुंच जाएगी, हाँ, बट वो मेरे को डिसेंट लुक लगी नहीं थी, हमने सब ट्राई करके छोड़ दिया। तो मतलब अभी भाई जो बेसिकली अपनी गाड़ी में सिर्फ ये डेमन आई लगी है और प्रोजेक्टर्स में चारों फॉग लैंप्स में और प्रोजेक्टर्स में हेडलाइट्स में सब में एचआईडी लगी हुई है, एचआईडी लगवा रखी है भाई ने, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, मतलब बहुत ही तगड़ी रोशनी आती है इन सब में। बाकी मैं आपसे और भी चीजें पूछता हूँ भाई, ये क्या लगा हुआ है भाई?
ये किस चीज का स्टिकर है भाई? ये एक्चुअल में रेस वॉर्स होती है ग्रेटर नोएडा में, BIC में, बुद इंटरनेशनल सर्किट में। तो बुद इंटरनेशनल सर्किट में आप जैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपके लैप्स होते हैं, ड्रैग्स होती है, ड्रैग रेसेस है। मतलब भाई मतलब रेस में भी पार्टिसिपेट लेते हैं वरना से? तीन चार बार भाई जीते हो? भाई जीते हैं, मतलब कि बहुत मिनिमम मतलब एक दो सेकंड के उससे अपना टारगेट रह गया, वरना तो हो जाता है। वो तो हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया भाई से ना, मैं कहता रहा यार और भी चीजें पूछूंगा। अभी भाई ने पूरी गाड़ी जेड रख ली, फ्रंट छोड़ के जेड है सारी भाई, पूरी जेड है, पूरी जेड भाई। आज तक कोई दिक्कत कुछ? देखो चलाओ तो हर बार चलाओ, वरना मत चलाओ। अब मतलब चलाने वाला का भाई कोई डर ही नहीं है भाई? क्या करना है, जेब भरी होनी चाहिए तो सब चलेगी। अच्छा ये वाला सीन है। तो भाई चलो यहाँ पे भाई ये मतलब स्नोबेल क्या है भाई? ये स्नोबेल हमने, ये पहले व्हाइट थी, हमने इसका नाम स्नोबेल रखा हुआ है। अच्छा ये पहले व्हाइट थी तो स्नोबेल 1.0 थी, अब वो ये ब्लैक है तो ये स्नोबेल 2.0। अरे वाह भाई, ये स्नोबेल का इंस्टा हैंडल है। अरे यहाँ पे ये रहा भाई, ये भाई की इंस्टाग्राम आईडी, भाई नंबर प्लेट भी मेंशन कर, नंबर प्लेट भी देखो भाई ने आप ऐसे लगवा रखी है, मतलब यार क्या लगती है, बिल्कुल ब्लैक माफिया भाई। अगर आप इसके ब्लैक अलॉय व्हील लगवा लो ना तो पूरी भाई, गाड़ी ब्लैक भाई मैं बता रहा हूँ ना, इससे पहले ब्लैक भी हमने ट्राई करे पर अच्छा, मजा नहीं आया। अच्छा मजा नहीं आया, पूरी गाड़ी ऐसे पूरी ब्लैक। तो भाई कंपनी का इंच देती है इसमें? भाई कंपनी इसमें रहती है जो पहले आते हैं स्टॉक आते हैं वो 16 इंच है, ये 17 इंच है। अच्छा ये अपने 17 इंच है। एक और टायर प्रोफाइल मैं आपको दिखाता हूँ, 215 45 17 मतलब 45 इसमें प्रोफाइल लगे 17। और भाई मतलब कोई दिक्कत विक्कत होती है स्पीड में चलती है गाड़ी? भाई दिक्कत बस बहुत ज्यादा डीप पोटहोल्स अगर आ गए, अच्छा बहुत ज्यादा डीप होंगे तो मे बी टायर में। तो भाई अभी मतलब इन अलॉय पे आप कितनी भगा चुके हो गाड़ी, स्पीड पूछो तो? भाई मेरी मैक्स 205 जा चुकी है, 205 पे भाई वरना भगा चुके भाई। यार एक बार मैं आपको इंटीरियर से दिखाऊं ना, तो मतलब ना देखो यहाँ पे देखो भाई 220 होती है टॉप स्पीड, मतलब भाई 205 सिर्फ 15 ही छोड़ दी भाई आपने तो भाई उससे ज्यादा गई नहीं, मतलब उससे ज्यादा रोड खत्म हो गई थी भाई भाई बहुत बड़ा रिक्शा है तो अच्छा रोड खत्म हो गया, अच्छा ऐसे वाले सीन है। तो भाई मतलब हल्का से भी चलो यार, वरना गाड़ी ना वैसे ना अपने नाम से बिकती है जो बात है भाई, मतलब वरना की जगह कोई नाम से पावर से ही बिकती है। हाँ पावर भी है, नाम भी, मतलब इसमें भाई सब चीज मिलती है ना, लुक पावर टोरा वोरा सब मिलता है भाई इसमें, कॉम्पैक्ट सेडान में सबसे ज्यादा पावरफुल है। हाँ सबसे ज्यादा पावरफुल। तो भाई ये बताओ कि थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लगा जब आपने इतनी स्पीड पे भगाई गाड़ी? भाई भाई रोड देख के भगाई थी, रिस्क वाले रोड पे नहीं भगाई। फिर भाई आप एक्सपीरियंस भी हो, अभी ड्रिफ्ट मारी यहाँ पे बिल्कुल किनारे से, जैसे कि आपने सिनेमेटिक शॉट्स में भी देखा होगा। तो चलो बहुत बड़े अलॉय हो इनकी ना, एक बार प्राइसिंग बताओ अलॉय टायर की भाई। की जो प्राइसिंग आती है वो आपको 6-7,000। और भाई माइलेज क्या दे रही है अपनी गाड़ी इन पे? भाई ये तो बस अगर आपने अपने सब्सक्राइबर डराने हैं तो बता देता हूँ। अच्छा तो फिर कोई वरना नहीं लेगा उसके बाद, तो बता दो बता ही दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे नॉर्मली आपकी गलियों वगैरह में और नॉर्मल एरिया में 6-7-8 की एवरेज है, इससे ज्यादा नहीं। 6-7-8 की एवरेज है। अरे बाबा भाई एक बार ना इसको बूट खोलो और ऑडियंस को दिखाओ, कुछ लगा रखा है कि नहीं ऑडियो में? नहीं नहीं ऑडियो में हमने पहले लगाया था। अच्छा यहाँ पे भाई ने स्पॉइलर भी लगवाया हुआ है भाई। ये कितने का लग जाता है भाई? ये इसकी कॉस्टिंग आती है 4,000-5,000। भाई अगर बूट खोलो मतलब पूरा खाली भाई? भाई पहले हमारा बहुत, अरे मतलब भाई ये क्या चीज करा रखी है भाई? इससे पहले इसके अंदर 2000 RMS का सेटअप लगा हुआ था भाई। 2000 RMS तो मतलब भाई पूरे शीशे फोड़ फोड़ने का दम रखता है। हाँ भाई वो शीशे फूटने के चक्कर में ही सारा हटाया, 4-4 एम्प थे गाड़ी के अंदर और हमारे 3 पेयर वो थे आपके बुलेट ट्विटर, नहीं 2 पेयर बुलेट ट्विटर थे और 3 पेयर हमारे इसके कंपोनेंट डले हुए थे अलग। अरे वाह भाई मतलब भाई सिस्टम एकदम आर पार का था, बिल्कुल आर पार था भाई। बैटरी थी एडिशनल भाई। एक और ना इंटीरियर में आओ बाहर भाई से ना और बात करते हैं। मैं कहता हूँ भाई अब आप जो सुनने वाले हैं ना और जो आप देखने वाले हो भाई वो भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। तो भाई सबसे पहले ना मैं आपसे वो चीजें बाद में पूछूंगा जो आपने इसमें करा चुके, क्योंकि अभी अपनी गाड़ी पूरी स्टॉक है, जैसे कि आप बता रहे हो कि अब स्टॉक उतर गया पूरा ना। यहाँ पे देखो सनरूफ मिलती है क्योंकि SX मॉडल है भाई, ऐसे कर देंगे तो देखो खुल भी जाएगी, आपको करके दिखा दी और ऐसे बंद भी हो जाती है। तो भाई मैं ना आपसे पूछने वाला हूँ, उससे पहले ये बता दो कि अभी इंटीरियर में क्या क्या हो रखा है भाई? इंटीरियर में हमारे ये फुल बकेट सीट कवर, फुल बकेट सीट कवर और फिर ये हमारे डोर, अच्छा डोर पे भी भाई देखो बहुत ही ज्यादा मस्त। हमारी गाड़ी अभी कंप्लीटली डैम्प्ड है, कंप्लीट डैम्प है भाई पूरी गाड़ी भाई। फ्लोर छत अपने भाई छत हो रखी है, अच्छा फ्लोर नहीं करवाया इसके अंदर, फ्लोर नीड नहीं थी, अच्छा क्योंकि इसकी बॉडी लाइन हैवी है। अरे बहुत ज्यादा। तो भाई देखो आपने ये सब बता दिया, अगर मैं अभी ओवरऑल पूछूं तो गाड़ी में अभी कितने लगे हुए हैं जो अभी हमारे सामने काम हो रखा है, जो हम अपनी वीडियो में कैप्चर कर रहे हैं भाई, जो आप करंट कैप्चर कर रहे हो ऑलमोस्ट
1.5 lakhs का हो रखा है। 1.5 lakhs मतलब अपने 1.5 lakh रुपए भाई ने इसमें लगा रखा है जो करंट है। और देखो ये सब तो अब खत्म करते हैं, अब जो आप सुनने वाले हैं ना भाई वो एकदम नेक्स्ट लेवल रहने वाला भाई। देखो सबसे पहले आप एक ये वीडियो देखो कि भाई की गाड़ी में पहले कितना लाउड सिस्टम था, जो कि हमने भाई से वीडियो लिया, आपको साइड में दिख रही होगी, आप पूरी पर्सनल आपको दिख रही होगी। तो भाई देखो कुछ ऐसे आपने वीडियो देखी, मतलब भाई पूरी गाड़ी की छत वत शीशा सब भाई फटने को हो रहा है एकदम, हो रहा था वो सनरूफ फट जाती है इस चक्कर में सेटअप भी हटाना, मतलब भाई सनरूफ ऐसे हिल रही है, ये पूरे पीछे का शीशा, मतलब भाई कहते ना डिग्गी जो अपनी पूरी फ्लो में है ना वो पूरी डिग्गी ऐसे ऐसे हिल रही है भाई। वो भाई इसी चक्कर में उसका रीजन यही था सेटअप को हटाने का, मतलब भाई अगर मैं पूछूं जो आपकी गाड़ी में वो सेटअप था वो कितने लाख का लगा हुआ था सेटअप भाई, वो 2.75 उसमें ऑलमोस्ट स्पेंड हो गए थे, क्योंकि मतलब पौने 3 lakh का भाई सेटअप उसमें है ना, उसके अंदर भाई डीएसपी भी था हमारा इंक्लूडेड था। अच्छा। डीएसपी और हमारी जो थी सारी वायर जीरो गेज थी, जीरो गेज की अपनी सारी वायर जिसके ऊपर भाई कोई वायर नहीं। 100 एम्पीयर की एक्स्ट्रा एडिशनल बैटरी थी ड्राइव। अच्छा अच्छा। उसके अंदर 36 हर्ट्ज ट्यून्ड उसका एंक्लोजर था। अरे वाह। उसके अंदर दो मोनो एम्पलीफायर थे और दो ही चार चैनल के एम्पलीफायर, दो चार चैनल दो मोनो, मतलब भाई देख रहे हो आप इतना मतलब हैवी सिस्टम भाई ने इसमें ला रखा था कि भाई गाड़ी झेल नहीं भाई, गाड़ी नहीं झेल पा रही थी, आप झेल लेते भाई। भाई मैं तो झेल रहा था, मेरे को शौक है मैं शीशे बात, भाई पैसे लगाए थे तो मन भी कर रहा था सुनने का, बट भाई जब आप शीशा उतारो तो यहाँ से ये हिलने लग जाए, जब आप भाई सनलूफ खोलो तो कटकट करने लग जाए, स्टीयरिंग हिलने लग जाए, भाई गाड़ी का पुर्जा पुर्जा हिला दिया था सिर्फ सिस्टम से। हाँ पुर्जा पुर्जा हिलने लग रहा था भाई, हिला नहीं था पर उससे पहले हमने कहा भाई अच्छा हटा दो क्यों नई गाड़ी की बैंड बजा मैं। हाँ, वो नहीं आते ही लगवा दिया था ना उसके अंदर। अच्छा, गाड़ी साल भी और देखो भाई की गाड़ी में ना एग्जॉस्ट भी था, भाई पहले एग्जॉस्ट के बारे में थोड़ा समझाओ, कौन सा एग्जॉस्ट था आपकी गाड़ी भाई में? मेरी गाड़ी में बोरला का था, कैडबैक वेल्वेट्रॉनिक था। अच्छा। जिसको हमने सिर्फ हेडर्स से मतलब आपका ये डिकेट नहीं डिकेट नहीं करवाई थी। अच्छा। कैथोलिक कन्वर्टर के जस्ट बाद से ऐड कराया। अच्छा, तो कैथोलिक कन्वर्टर, अरे वाह भाई पूरा स्ट्रेट वाइट था। और पता है वो इतनी तगड़ी साउंड मारती थी ना, पहले यार आप वीडियो देखो फिर देखना, तो भाई देखो यार मतलब ऐसी वर्णन मैंने खुद नहीं सुनी होगी, मतलब यार जब अपने वीडियो में इतनी तेज मतलब इतनी लाउड भाई जा रही है, एक्सट्रीम लाउड थी, वन ऑफ द वर्ना थी लाउड। तो भाई मेरा तो मतलब बहुत था कि काश वो अभी इसमें लगा होता तो हम चला के दिखाते। बस ये समझ लो आप 15 दिन लेट हुए हो। 15 दिन लेट हुए हैं हमें भाई, बस 15 दिन लेट हुए, नहीं तो भाई भाई रीजन बस ये रहा कि गाड़ी अभी सेल आउट के उस पे है। अच्छा बेच रहे हो भाई गाड़ी, गाड़ी आएगी दूसरे प्रोजेक्ट कार दूसरी बनाएंगे, एक छोटी बनाएंगे एक एसयूवी बनाएंगे। पर भाई पता है मैं ना ये कहता हूँ कि देखो वरना जैसे अपनी ना बहुत नामी गाड़ी है जैसे, हाँ, पता है, हाँ, नाम से बिकती है और जान से भी हर चीज है, हर चीज से जो इसे चलाते हैं ना भाई उसे बेचने का मन नहीं करता, भाई बेचने का मन नहीं करता ना भाई। हमारे को थोड़ी सी आदत क्या है, सेडान की आदत नहीं, ये होती है थोड़ी सी लो प्रोफाइल। हाँ भाई सही बात है, हमारे को थोड़ी सी ऊंची गाड़ी का पर्सनल ऊंची गाड़ी चाहिए, सबका अपना अपना शौक, सही बात है, सबका अपना अपना टेस्ट है, हमारा टेस्ट थोड़ा सा भाई एसयूवी में ज्यादा है, एसयूवी में ज्यादा जैसे कोई बता रहे। तो भाई कौन सी आने वाली है अपनी गाड़ी भाई, अभी देखो कुछ चल रही है प्लानिंग, फिर वो भी शेयर करवाएंगे ना, फिर वो भी करेंगे भाई। हाँ, देखो भाई से फिर जरूर मिलेंगे, उसको भी रेडी करेंगे, उसको भी भाई दिखवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बाकी तो भाई भाई की गाड़ी में सब कुछ कवर कर लिया। भाई से एक लास्ट सवाल पूछते हैं भाई, ये बताओ वरना गाड़ी का एक हल्का सा एक्सपीरियंस बता दो कि आपको ये ड्राइविंग वाइज कैसी लगती है, जैसे आप इसके ओनर रहे हो तो इसके बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ। भाई पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि गाड़ी मतलब दबती नहीं है बिल्कुल, जितनी मर्जी खींच लो, जितने मर्जी जिस मर्जी गियर में, लास्ट के छठे गियर पे भी गाड़ी कहती है सातवां गियर चाहिए। अच्छा। सही मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अच्छा, जैसे 205 पे गाड़ी थी लास्ट फाइनल गियर डाल रखा था, 200 की स्पीड मैंने आपको दिखाई थी देख सकते हैं भाई, उसके बाद भी अगर इसमें सातवां गियर होना तो ये कहे वो भी डाल दो, मैं ये बता रहा हूँ पर्सनली, मतलब बहुत बढ़िया। और भाई अगर मैं पूछूं कोई नेगेटिव पॉइंट गाड़ी में, नेगेटिव पॉइंट में इसकी ब्रेकिंग थोड़ी सी है, कम है, कम। देखो भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई इंस्टाग्राम आईडी हमने आपको दे रखी है, आप देख सकते हैं, भाई को फॉलो कर सकते हैं। भाई से फिर जरूर मिलेंगे जब भाई अपनी कोई नेक्स्ट गाड़ी लेंगे, भाई नेक्स्ट गाड़ी बस विद इन अ मंथ आने वाली है समझो। अच्छा बस जल्दी आने वाली है, वैसे भी न्यू ईयर आ गया भाई अपना, बस विद इन अ मंथ समझो आ जाएगी, दो चार दिन बाद ये चली जाएगी, दो चार दिन बाद ये चली जाएगी, वो आ जाएगी। चलो